शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्यों भाई, सीधी बात तुम लोगों ने समझ में नहीं आती। जब तक हैवी डोज तुम लोगों को ना दो ना, तुम लोगों की अकल ठिकाने आती नहीं है। तीसरी कंप्लेंट है। सॉरी सॉरी सर। सॉरी क्या, हर बार सॉरी कह दोगे और इंस्पेक्टर दयाल सॉरी का कैप्सूल खा लेगा। इस बार तो तुम लोगों को ना कुछ सजा देनी पड़ेगी। सॉरी सर, स्टैंड अप, गलती हो गई, अब नहीं होगी। अरे खड़े हो जाओ, चल वो कोना पकड़ लो और मुर्गा बन जाओ। सॉरी सर। अरे अंग्रेजी बोलू क्या मैं? हेलो, इंस्पेक्टर दयाल स्पीकिंग फ्रॉम बोरीवली स्टेशन। सर मैं कांस्टेबल सोनिया बोल रही हूँ। हाँ बोल भाई सोनिया, के बोले सर? सर यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। गोली मार दी? पर कहाँ गोली मार दी, क्यों गोली मार दी भाई? सर बीवी ने ताजा ताजा पोछा लगाया था और उसका पति चप्पल पहनकर उस पर से निकल गया और सारा फर्श खराब कर दिया, उसकी सारी मेहनत बेकार कर दी। हद है, पति गीले पोछे के ऊपर से निकल गया था इसलिए पत्नी ने उसको गोली मार दी। ये जमाना आ गया शांता मैडम। हाँ भाई सुन सोनू भाई, तने उस मैडम ने गिरफ्तार किया कि नहीं किया? सर अभी पोछा गीला है, सूखते ही मैं गिरफ्तार करती हूँ। पोछा सूखने पे गिरफ्तार करेगी? हाँ भाई संभल के रहना, कई वो जख्मी औरत है तुमको ना अपने काबू में कर ले। ठीक है, ओके सर, ओके। लो भाई, जरा सी बात पे पोचे के ऊपर से पति निकल गया तो गोली मार दी। सर ऐसे में गुस्सा तो आता ही है ना, गीले पोछे के ऊपर से कोई भी निकल कर जाए तो मन करता है गोली मार दें। और मेरे पति भी कितनी दफा ऐसा कर चुके हैं, सही में मुझे कितना कंट्रोल करना पड़ता है, आपको क्या बताऊं सर। तो ये कौन सा है? हेलो इंस्पेक्टर दयाल स्पीकिंग फ्रॉम बोरीवली स्टेशन। खून? कंट्रोल सर, कंट्रोल। अरे किसका खून हो गया भाई, एक दिन में दो दो खून कहाँ हो गया भाई। ओके चलो भाई, शांता मैडम निकलो, फॉलो मी। चलो भाई उतरो। पता नहीं जान को कोई ना कोई स्यापा पड़ा ही रहता है हमारे तो। किसका खून हुआ है? डेड बॉडी कटे से? वो अंदर है। लो जी भाई, अठे तो पार्टी हो रही से। किसी ने छुआ तो कौन ही सामान को? नहीं अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं छुआ। छुएगा नहीं। क्यों? इसमें आपकी उंगलियों के निशान आ जाएंगे। कथे से भाई डेड बॉडी अंदर आई? नहीं कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। डेड बॉडी के अलावा कोई नहीं है सर, आप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। संता मैडम ड्यूटी के टाइम ना मारे से ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश ना किया करो, मूड ना कुछ का कुछ हो जाता है ससुरा। डायमंड पेन, बा भाई बा, इसको रखो। कमाल हो गया जो। सर तो आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों? यो तो इधर रख रहा ना सेफ जगह पे। बल्ले बल्ले बल्ले, कपड़े फराके भाई छोरी घनी फैशनेबल लग गई थी। भाई घना ही खतरनाक तरीके से किया जो तो मर्डर मैडम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो शांता मैडम। यस सर। मना एक बात बताओ जी। जी। जो डेड बॉडी
आपकी क्या लगती थी? जी वो मेरी बेटी थी। मतलब के खून आपके सामने हुआ है जी? नहीं मेरे सामने तो नहीं हुआ। तो फिर किसके सामने हुआ? किसी के सामने नहीं हुआ। मारा मतलब से मैंने फोन किसने किया? वो जी साहब जी मैंने फोन किया था जी। तुम कौन हो? जी मैं सर ये हमारे घर में काम करती है। हाँ तो मैडम जी आप कौन हो? मैं जूही की माँ। ओह आई सी। मैडम जी मैंने ना एक बात बताओ, आप जो बता सकती हो कि मर्डर जो है कौन से हथियार से हुआ? क्या बोले? मारा मतलब तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो भाई? जी मैं इनका बेटा हूँ सागर। ये हमारा बेटा है। सगा भाई है। मतलब के आपके कहने का मतलब के जो डेड बॉडी का सगा भाई हुआ फिर? सर शांता मैडम मन्ने तो कातिल के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सबूत का एक कतरा तक ना छोड़ा ससुरे ने। ग्रेट शांता ग्रेट 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 बहुत हो गया, बाद में कीजिएगा सर, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाइए। मैडम वो क्या है मने ना बीते हुए जमाने की बातें याद आ गई। कातिल ने पहले तुम्हारा सर पर डंडा और फिर तलवार से गला रेत दिया, काम तमाम। आपने ये किस आधार पर कहा कि गले को तलवार से ही रेता गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तलवार लिखा था जी, इसलिए। तो आपने वहाँ मौजूद सारा सामान जैसे चादर तकिया उन सब से फिंगरप्रिंट्स तो लिए ही होंगे। और हाँ कमरे के बाहर पड़ी टेबल पर रखी शराब की बोतल, उसके पास रखे ग्लासेस, उन सब के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स तो लिए ही होंगे मिस्टर दयाल आपने। बोलिए मिस्टर दयाल आपने फिंगरप्रिंट्स लिए कि नहीं? सच बात तो जो है मैडम जी के हम समय रहते इतला ना कर पाए फिंगरप्रिंट वालों को। हाँ। क्यों नहीं कर पाए थे? ओ जी मैंने कह दिया था हेड साहब ने, और हेड साहब ने आगे सिपाही ने कह दिया, और सिपाही इसलिए ना कर पाया होगा जी उसे अपने मुंह बोले साले की शादी में जाना पड़ गया था। क्या मुंह बोला साला, ये कौन सा रिश्ता हुआ मिस्टर दयाल? मुंह बोली बीवी का भाई ही मुंह बोला साला होगा ना वकील साहब? अच्छा मुंह बोली बीवी भी हो सकती है, ये तो मैंने पहली बार सुना है मिस्टर दयाल। ऑर्डर 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 प्रोसीड शीतल जी। थैंक यू माय लॉर्ड। इंस्पेक्टर दयाल, डॉक्टर इंदिरा ने सुबह 6:30 बजे हेमंत को कॉल किया था, जब उसके खिलाफ FIR लिखवाई जा चुकी थी, फिर भी आपने उसका फोन बरामद करने की कोशिश नहीं की। उसके और उसके दोस्तों की कॉल डिटेल्स तो मालूम की ही जा सकती थी। वो तो आप भी मालूम की जा सकती है जी। शट अप बदतमीज। देखिए आप इस तरह बदतमीजी से बात मत कीजिए हमारे साथ, वरना। वरना क्या? इंस्पेक्टर दयाल आप मुझे धमका रहे हैं? मिलोट ये आदमी भरी अदालत में एक वकील को धमका रहा है, इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाना चाहिए। मिस्टर दयाल आप तमीज से पेश आइए। सॉरी सर। प्रोसीड मिस शीतल। मिलोट आई एम ओवर। साजन जी आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो सारा ड्रामा आपने खेला है ये किसके इशारे पे खेला है आपने? मैं आपका मतलब कौन समझा वकील साहब? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है इंस्पेक्टर, सिर्फ एक दिन पहले भर्ती हुआ एक नौसिखिए से नौसिखिए हवलदार भी इतनी गलती नहीं करता जितनी की आपने की है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ये सब गलती जानबूझ के की है? किसे बचाना चाह रहे थे आप? किसी को ना वकील साहब, मैंने कहा ना कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था जी। ईमानदारी? आई एम श्योर आप काफी ईमानदार हैं, और यही ईमानदारी आपने डॉक्टर शुकेश को बचाने के लिए दिखाई होगी, am I right? मैंने कहा तो है आपसे वकील साहब कि ये बाय मिस्टेक हुआ था सब कुछ। दो बार बाय मिस्टेक? हेमंत की लाश तो दूसरे दिन मिली थी, वो भी तब जब जूही के खून से सना हुआ गद्दा ऊपर ले जाने की जरूरत पड़ी तब।